हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं पंजाब के टूर पे सलोनी मस्टर्ड ऑयल के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मेरी रेसिपी है वो दादी नानी रेसिपी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि आज मैं अपनी नानी दादियों से सीखी हुई रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। और उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी ये वाली पिकल्स की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। जी हां दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूं डिफरेंट टाइप्स के हिस्टोरिकल पिकल्स। तो आइए दोस्तों, अपनी रेसिपीज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मुझे अपनी आज की रेसिपीज बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लंबे वाले ब्रिंजल्स लिए थे बैंगन, और उनको मैंने बीच में से कट लगाकर उनके स्लाइसेस काटकर उनको हल्का बॉयल कर लिया था, और कचालू को छीलकर उसको मैंने क्यूब्स में काटकर बॉयल कर लिया था। और गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ गंदल ली हैं जो कि सरसों के साग की गंदल हैं, इनको मैंने छीलकर इनके छोटे छोटे पीसीज में इनको कट कर लिया है। और साथ में गाइस, मैंने लिया जिमीकंद जिनको क्यूब्स में काटकर उनको डीप फ्राई कर लिया था। और साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ वाइट विनेगर, थोड़ा सा गुड़, जैगरी और जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, सॉल्ट और चाट मसाला, और साथ में मैंने अमचूर पाउडर और थोड़ी सी सौंफ, और यहाँ पे ले रहे हैं मेथी दाना, राई और थोड़ी सी कलौंजी। तो दोस्तों, मैं जो पहला अपना अचार है वो डालने जा रहा हूँ, कचालू का अचार। तो आइए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सलोनी मस्टर्ड ऑयल। तो गाइस, यहाँ पे मैंने सलोनी का मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो दोस्तों, मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें डालता हूँ मेथी दाना। मेथी दाना के साथ साथ ही मैं इसमें डाल दूंगा राई, और साथ ही गाइस इसमें मैं डाल दूंगा कलौंजी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना अपने को। तो गाइस, इसमें साथ ही अपना जो है वो ऐड हो जाएगा कचालू। और थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ सौंफ। और दोस्तों, लास्ट में इसमें मैं डाल रहा हूँ सॉल्ट, और जाएगा यहाँ पे रेड चिली पाउडर, और गाइस इसमें जाएगा अमचूर पाउडर, इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं टॉस। तो गाइस, अपना जो पहला पिकल था कचालू का पिकल, वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो गाइस, अपना फर्स्ट पिकल जो है कचालू का पिकल, वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पिकल की तरफ। पैन को वॉश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम ही हैं। तो गाइस, सेकंड पिकल के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले फ्लेम ऑन कर लिया है, और उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ सलोनी मस्टर्ड ऑयल। तो भाई, मस्टर्ड ऑयल जा चुका है इसके अंदर, थोड़ा सा इसको वेट करेंगे इसके स्मोक होने का। तो दोस्तों, मेरा जो ऑयल है वो स्मोक हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले मेथी दाना। मेथी दाने के साथ साथ इसमें गाइस जाएगी थोड़ी सी सौंफ, सौंफ के साथ साथ थोड़ी सी राई और थोड़ी सी कलौंजी। इसको अच्छे से कर लेते हैं सौटे। गाइस, थोड़ी सी जाएगी यहाँ पे हींग, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, और जब बैंगन इसमें कुक होगा तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा आपको। थोड़ा सा जाएगा यहाँ पे चाट मसाला, गाइस थोड़ा सा जाएगा यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसमें जाएंगे अपने बैंगन।
और थोड़ी सी जाएगी इसमें रेड चिली। मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सॉल्ट, और इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो मेरा जो अचार है इसको हमें ओवर कुक नहीं करना, तो इसको मैं फ्लेम को कर रहा हूँ ऑफ। तो गाइस अपना जो अचार है इसको भी हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद इसको भी हम जो है कंटेनर में जो है शिफ्ट करने वाले हैं। तो गाइस अपना जो बैंगन का ब्रिंजल का जो अपना पिकल था वो बनके बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है एयर टाइट कंटेनर में, तो आप इसको भी 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो गाइस अपना सेकंड पिकल भी बनके बिल्कुल रेडी है। अब अपनी थर्ड पिकल की तरफ चलते हैं, जो कि होने वाला है खट्टा मीठा फ्लेवर, और उसका नाम है जिमीकंद पिकल। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पे सलोनी का मस्टर्ड ऑयल, और फ्रेंड्स इसको सेम पहले की तरह अपने को जो है अच्छे से स्मोक कर लेना है। तो फ्रेंड्स अपना जो ऑयल है वो स्मोक हो चुका है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। वाह जी वाह, आवाज़ देखिए आप। और फिर उसके बाद फ्राई किया हुआ जिमीकंद, फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ थोड़ी सी जैगरी यानी कि गुड़। जब तक अपना गुड़ मेल्ट होता है फ्रेंड्स, इसमें साथ में मैं ऐड कर देता हूँ सॉल्ट। थोड़ी सी रेड चिली। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें जाएगा विनेगर, वाइट विनेगर यूज कर रहा हूं मैं यहां पे। बस इसको अच्छे से अब थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा ऊपर से जाएगा अपना चाट मसाला। तो गाइस अपना जो जिमीकंद पिकल है वो बनके बिल्कुल रेडी है। इसको भी हमें ठंडा करके कंटेनर में शिफ्ट करना है, और इसको भी आप 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो अपना थर्ड पिकल था जिमीकंद का पिकल, उसको भी जार में शिफ्ट कर दिया है। तो अब बारी है अपने फोर्थ पिकल की, जो कि बनने वाला है ग्रीन मस्टर्ड से, सरसों के गंदल से, हम पंजाबी में इसको बोलते हैं सरसों की गंदल। तो गाइस इसको जो है मैंने छील लिया था, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए थे। तो दोस्तों आइए अपनी रेसिपी फोर्थ पिकल की बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं सेम पैन ले रहा हूँ, और उसमें मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे सलोनी मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा जाएगा सलोनी का मस्टर्ड ऑयल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें, मैं जैसे अक्सर बोलता हूँ कि इसमें स्मोक होने की वेट करेंगे, तो थोड़ा सा गाइस जैसे ही ये गर्म होगा उसके बाद हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो ऑयल है वो स्मोक हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मेथी दाना हल्का सा, और साथ में जाएगी इसके सौंफ, और थोड़ी सी जाएगी यहाँ पे कलौंजी, थोड़ी सी गाइस यहाँ पे जाएगी हिंग, और अपना जो पिकल है वो है मस्टर्ड का, तो साथ में डाल देते हैं मस्टर्ड। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर से जाने वाली है रेड चिली, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा आमचूर पाउडर,
थोड़ा सा चाट मसाला, इसको हमें गैस ओवर कुक नहीं करना है मस्टर्ड को, क्योंकि जब इसका क्रंच मुंह में क्रंच आता है, इसका एक मतलब बाइट आती है, तो वो मज़ेदार होती है। तो इसलिए इसको हमें ओवर कुक या कवर करके नहीं पकाना, बस इसको हल्का सा टॉस करना है अपने को, तड़का मारना है बेसिकली अगर मैं कहूँ तो। तो गैस ये था अपना फोर्थ पिकल, ये बन के बिल्कुल रेडी है, और इसको भी ठंडा करेंगे और जार में करेंगे शिफ्ट। तो गाइस ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के पिकल्स को एंजॉय करने के लिए आप भी यूज करें सलोनी मस्टर्ड ऑयल, स्वाद भी, सेहत भी, और जो बनता है अपनी ही फैक्ट्री में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।